नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। करनाल जिला में मूक एवं बधिर मतदाताओं के लिए एक वीडियो के माध्यम से संकेतिक भाषा समझाई गई है, ताकि अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदाता अपना वोट दे सकें। इसी प्रकार बुजुर्गों एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि उनको मतदान करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका सीधा प्रसारण कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है। राज्य स्तर पर कम्युनिकेशन ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से चंडीगढ़ मुख्यालय से प्रदेश के किसी भी निर्वाचन अधिकारी से सीधी बात कर सकते हैं तथा जानकारी साझा कर सकते हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पर्पल की एक खास खबर। हरियाणा में आज सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई और पोलिंग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हर पोलिंग स्टेशन पर इस समय पोलिंग चल रही है। 11 बजे तक 22.4% मतदान हुआ था पूरे हरियाणा में, और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग परसेंटेजेस हैं। सबसे अधिक मतदान फतेहाबाद ज़िले में 11 बजे तक हुआ, जो 27.12% था। और इसके बाद में अन्य ज़िले जिनमें अच्छा मतदान हुआ है, रोहतक है, झज्जर है, तो कुल मिला के प्रत्येक ज़िले में बहुत अच्छी तरह से मतदान हो रहा है, और बहुत ही सुंदर ढंग से डिप्टी कमिश्नर्स ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कई पोलिंग स्टेशंस को तैयार किया है, जिनको हम मॉडल पोलिंग स्टेशंस कह सकते हैं। और ख़ास तौर से कुछ ज़िलों में नए प्रयोग किए गए हैं, जैसे करनाल ज़िले में, जहां पर मूक और बधिर वोटर्स थे, वहां पर मूक और बधिर वोटर्स को साइन लैंग्वेज से वोटिंग की प्रक्रिया समझाने के लिए एक वीडियो दिखाया जा रहा है, जिससे वो समझ सकें। तो विकलांग व्यक्तियों का, बुज़ुर्ग व्यक्तियों का, इन सब का वोटिंग को फैसिलिटेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के भी कई मतदाताओं ने मत दिया है। कुल मिला के बहुत शांतिपूर्ण और बहुत बढ़िया ढंग से हरियाणा में मतदान चल रहा है।